जी हाँ नमस्कार, मैं हूँ दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी शख्सियत के पास जो एक किसी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, यानी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के नाम से इनकी पार्टी रजिस्टर्ड है, जो महाराष्ट्र से, और आज वो दिल्ली में अपना पैर फैलाए आए हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि अभी जल्द में जो CAB बिल को लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और देश में लगातार आगजनी जैसी घटनाएं चल रही है, उसको लेकर मैं जानना चाहूँगा कि इनका क्या राय है। ये देश हित में और देश के लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए ये बिल बनाया गया है, क्योंकि ये जो संविधान है इसमें छेड़छाड़ करने की इनको कोई ज़रूरत नहीं थी इन लोगों की। और रहा जैसे लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या जगह जगह पे लोग गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, तो लोगों को इस तरीके से धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। धरना प्रदर्शन करने के लिए एक अपना आराम से बैठे और शांतिपूर्वक जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से गांधी जी के जो मानने वाले लोग हैं, शांतिपूर्वक बैठ करके अपनी बातों को सरकार के सामने ये लोग अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जो आग जला रहे हैं, ये जो गुंडागर्दी गर्दी पे उतर रहे हैं, जो भी लोग हैं या किसी पार्टी से हो या किसी सामाजिक लोग हों, ये जो कर रहे हैं, जैसे ये लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को। सर मेरा आपसे एक सवाल है, क्या इस बिल CAB बिल में किसी मुसलमान को देश से भगाने की बात की गई है कि नहीं? दो टूक बात। देखिए जो CAB बिल है, तो CAB जो बिल है, तो इसमें जो नागरिकता देने की बात हो रही है कि नागरिकता जैसे बाहर के जो हिंदू लोग हैं उनको नागरिकता दिया जाएगा, मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा, तो ये जो दोहरी जो राजनीति चल रही है, ये वोट बैंक की राजनीति है। हमारे कहने ये मैं कहना चाहता हूँ सर, लेकिन एक सवाल और मेरा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुसलमान वर्ग को एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, तीन देश तो दिया जा चुका है, अब उन्हें हमारे हिंदुस्तान में आने क्या आवश्यकता है? जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपने हिंदुस्तानी हैं ही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं इस पर ये बोलना चाहता हूँ कि जो लोग जिस देश के भी लोग रहने वाले हैं, हर देश के लोग अपने अपने देश में नागरिक हैं, पाकिस्तान हो या कोई सा भी देश हो, तो वो उन लोगों का देश है, तो उनमें भी तो वो लोग नागरिक हैं, तो हमारे हिंदुस्तान में देने की क्या जरूरत है? यहाँ हिंदुस्तान में नागरिक उनको नागरिकता दिया जा रहा है, तो बस इसी पे लिया जाए कि नागरिकता दिया जाए तो सबको दिया जाए, बस किसी एक धर्म या किसी एक जाति को छोड़ करके ऐसा नागरिकता ना उन लोगों को दिया जाए। अगर नागरिकता सरकार दे रही है तो मैं उन लोगों का वेलकम करता हूँ, चाहता हूँ कि नागरिकता दे, लेकिन ये सारे लोगों को नागरिकता दे, मतलब किसी एक जाति या एक धर्म को निकाले नहीं। और दूसरी बात ये मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि नागरिकता दे रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन लोगों को 30 साल वोटिंग का जो होता है अधिकार, इनको 30 साल वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाए, क्योंकि ये वोटिंग के लिए ही BJP के लोग इनको नागरिकता दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में इलेक्शनों में ये लोग बोला करेंगे कि भाई मैंने आपको नागरिकता दिया, आप हमको वोट दो, इसलिए इन लोगों को 3 साल वोटिंग का राइट इन लोगों का बंद कर देना चाहिए, वोटिंग का अधिकार इनको नहीं देना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सर, मैं यही कहूँगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जो ये बिल पास हुआ है, इस बिल का विरोध मुसलमान नहीं कर रहे हैं, इस बिल का विरोध तो 75% गैर मुस्लिम लोग भी कर रहे हैं। सबसे पहले इस बिल के पास हो जाने से मुसलमान को खतरा नहीं है, इस बिल के पास हो जाने से सबसे बड़ा खतरा हिंदुस्तान को।